योग अध्ययन के आइए हमारे आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रकाश पांडे सत्र में स्वागत है। योग एवं ध्यान की एक क्लास है, ये बता देना चाहता हूँ। योग एवं ध्यान की क्लास है जो कि फाउंडेशन सब्जेक्ट का विषय होता है। फाउंडेशन में चार विषय होते हैं, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, योग एवं ध्यान होता है और पर्यावरण अध्ययन होता है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के जो क्लासेज हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, हमने उसको करवा दिया है। तो आइए हम बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन है, आप लोग अपना आकलन भी करेंगे, ठीक है। किस आसन को करने से कंधे, बाह और तथा कोहनी मजबूत होती हैं? तो कुक्कुट आसन करने से, ठीक है। क्या करने से? कुक्कुट आसन करने से हमारे हमारे क्या कंधे, बाह, कोहनी मजबूत होती हैं कुक्कुट आसन करने से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा आयन पाचन शक्ति को मजबूत करता है, यानी कि ऐसा कौन सा आसन है जो हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करता है? वह धनुरासन है। क्या है? धनुरासन है। धनुरासन पाचन, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद करिएगा। आइए फिर आता है, हठ रत्नावली में किसकी चर्चा की गई है? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या वह यम नियम, कायिक नियम, मानसिक नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा बा नंबर। क्या हो जाएगा? बा नंबर, कायिक नियम। हट रत्नावली में कायिक नियम की चर्चा की गई है। पांच बार सभी को मेरे साथ बोलेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88, कौन सा आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने में बेजोड़ है? गरुणासन, गोमुखासन, जकासन, तनुरासन। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा बा नंबर, बकासन। यानी कि बकासन करने से, बकासन एक आसन है शारीरिक व मानसिक संतुलन है ना बनाने में बेजोड़ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 89, कौन सा आसन गुरु गोरक्षनाथ द्वारा किया जाता है? तो गोरक्षासन, गोमुखासन, मयूरासन, इनमें से कोई नहीं। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा, 89 का राइट आंसर आ नंबर हो जाएगा, गोरक्षासन आसन गुरु गोरक्षनाथ द्वारा किया जाता है। गोरक्षासन किया जाता है। देखिए ठीक है, थोड़ा सा जेब की लटपटियाहट है इसमें ना आप सभी के, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। इसमें छत्री वाला प्रयोग किया गया है, इसमें भी छत्री वाला प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा आप लोग इसका लिंक मिला लेंगे तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से शत प्रतिशत बनेगा। कुछ चीज़ों में रटने की ज़रूरत होती, देखिए खुल के मैं बोल रहा हूँ, रटने की भी ज़रूरत होती कुछ चीज़ों में समझने एवं ट्रिक की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, गोच्छासन, देखिए फिर से वही शब्द से रिलेटिव क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। गोच्छासन किसके लिए लाभदायक होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा स्वप्न दोष, कमर दर्द, वीर्य रक्षा, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा द नंबर, यानी कि ये सभी है ना इसका राइट आंसर। मतलब देखिए, गोच्छासन करने से स्वप्न दोष है ना इसमें लाभदायक होता है, कमर दर्द में लाभदायक होता है, वीर रक्षा में लाभदायक होता है, मतलब ये सभी में लाभदायक होता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91, कौन सा आसन अच्छा विस्मारक है? विस्मारक यानी कि आप लोग समझते जहर को मार देता है। तो क्या वो मयूरासन है, गोरक्षासन है, गोमुखासन है, या ये सभी तीनों हैं? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर, मयूरासन। क्या हो जाएगा? मयूरासन एक अच्छा आसन है जो कि विष को मारने का काम करता है, मयूरासन।
आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि मयूर सिंहासन एक हुआ करता था अपने भारत में, जिसको नादिर शाह द्वारा विदेश ले जाया गया था ना। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ ट्रिक भिड़ा जुड़ा के आप लोग इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर 92 क्वेश्चन नंबर 92, प्रारंभ में देखिए मयूरासन से कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनने लगे, ठीक है। फिर इसके बाद गोमुखासन से इसी प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब अलट पलट के क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से पेपर होना है उसके ढंग, उसका क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। प्रारंभ में मयूरासन को कितने समय के लिए करना चाहिए, प्रारंभ में मयूरासन को कितने समय के लिए करना चाहिए। जैसे आपने प्रारंभ में एक ही दिन यदि आप लोग दौड़ने जाते हैं ग्राउंड में, एक ही दिन आप सोचें कि मैं 10 राउंड मार लूं तो अगले दिन से आप नहीं दौड़ पाओगे, है ना। ये कि कोई ना कोई तकलीफ क्रिएट हो जाएगी तो आप फिर कभी नहीं दौड़ पाओगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है आप एक दिन ही मेहनत कर दोगे फिर और ज़्यादा हो जाता है क्रिएट, पैरों में कहीं कुछ बनना शुरू हो जाता है। इसलिए कोई भी काम करना चाहिए धीरे धीरे, रिलैक्स और धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, एक ही दिन नहीं। क्योंकि आप लोग पहले दिन दूसरे दिन बहुत जोशीले रहते हैं तो जल्दी जल्दी सोचते हैं आज हम सब कर लें, ऐसा नहीं करना किसी चीज़ में भी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बा नंबर 10 सेकंड। मतलब कि पहले दिन आप लोग 10 सेकंड करें, दूसरे दिन भी 10 सेकंड करें, तीसरे दिन आप 12-13 सेकंड करें, फिर 15 सेकंड करें, फिर 20 सेकंड करें, फिर 25 सेकंड, फिर 35 सेकंड, फिर 40 सेकंड, ऐसा आप करके कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 सेकंड इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, गोमुखासन में किस समय व्यक्ति की मुद्रा गाय के समान हो जाती है, गोमुखासन में किस समय व्यक्ति की मुद्रा गाय मुद्रा जैसी हो जाती है, मुद्रा गाय के समान हो जाती है। 93, व्यक्ति के खड़े होने की स्थिति में, व्यक्ति के बैठने की स्थिति में, आ और वा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, उसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति के बैठने की स्थिति में, क्या हो जाएगा, व्यक्ति के बैठने की स्थिति में उसका जो मुद्रा होता है मनुष्य का वह गाय के समान हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, श्वासन से क्या प्राप्त होता है, भौतिक श्रम की थकान में आराम, मन में द्वेग की शांति, या आ और बा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 294 का राइट आंसर हो जाएगा शा नंबर हो जाएगा। शा नंबर का मतलब क्या होता है मैं बता दूँ, शा नंबर का मतलब होता है कि भौतिक श्रम की थकान से भी आराम होता है और मन में जो द्वेग होती है उससे भी हमें शांति मिलती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग एवं ध्यान है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है, योग एवं ध्यान पढ़े लिखे छात्र, ये देखिए, चलिए। श्वासन से किसको आराम प्राप्त होता है, शरीर की संधियों को, शरीर की पेशियों को, अंग प्रत्यंगों को, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का द नंबर उपरोक्त सभी, ठीक। मतलब कि शरीर की संधियों को भी आराम प्राप्त होता है, अंग प्रत्यंगों को भी, शरीर की पेशियों को भी, इसका राइट आंसर द नंबर उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 96, भगवान आदित्यनाथ ने कितने आसनों को महत्वपूर्ण बताया है, भगवान आदित्यनाथ ने 3 आसनों को महत्वपूर्ण बताया है, 5 आसनों को, 4 आसनों को, 6 आसनों को, तो भगवान आदित्यनाथ ने इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का राइट आंसर हो जाएगा 4 आसनों को महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। 96 का हो जाएगा बा नंबर, 4 आसनों को महत्वपूर्ण बताया किसने, भगवान मेरे साथ बोलेंगे, आदिनाथ ने 4 आसनों को महत्वपूर्ण बताया है, भगवान आदिनाथ 4 आसन को महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है, फिर आदिनाथ, ठीक है, 4 आसनों को, ऐसा आप लोग पूरा सा 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, मन में बैठ जाएगा, ठीक है।
तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको सिग्नल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सिग्नल, और लिंक पे लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा और आप लोग राइट टिक लगा के आएंगे और पेपर में अच्छे नंबर अंक प्राप्त करेंगे। तो 97, जिन व्यक्तियों के पैर सर्दियों में बहुत ठंडे होते हैं उन्हें कौन सा आसन करना चाहिए, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन या पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का आ नंबर, स्वास्तिकासन ही नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्वास्तिकासन ही नहीं करना चाहिए जिन व्यक्तियों के पैर सर्दियों में बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, होते हैं आप लोगों के ठंडे, तो इसको कर लेना भैया। ठीक है, कौन सा आसन दृढ़ इच्छा शक्ति का निर्माण करता है, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिंहासन, सिद्धासन या इनमें से कोई नहीं। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा श नंबर, सिद्धासन, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, आप लोगों की सोचने की शक्ति, आप लोग कोई इच्छा करते हैं ऐसा करने की उसकी शक्ति, आप लोग अपने संकल्प, दृढ़ टारगेट, हमको ये बनना है कलेक्टर, SP, है ना, IPS, जो भी बनना हो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प लेने के लिए कौन मजबूत करता है, हैं, तो कौन करता है, सिंहासन, सिंहासन करेंगे तो इन चीज़ों का आप लोग निर्माण कर पाएंगे, ऐसी शक्तियों का, ऐसी इच्छाओं का, है ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99, पद्मासन को करने से क्या लाभ है, मानसिक शांति, एकाग्रता, चेहरा ओजस्वी, ये सभी। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा, पद्मासन को करने से क्या लाभ है, मानसिक शांति, चेहरा ओजस्वी, एकाग्रता या ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक शक्ति, शांति भी, चेहरा ओजस्वी भी और एकाग्रता भी, मतलब कि ये सभी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमोत्तानासन का प्रमुख उद्देश्य है शरीर में खिंचाव, एक सेकंड थोड़ा सा, शरीर में खिंचाव, पेशियों में लचीलापन, स्नायुओं में लचीलापन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का, पश्चिमोत्तानासन से शरीर में खिंचाव भी होता है, ठीक है, स्नायुओं में लचीलापन भी आता है, मांसपेशियों में भी लचीलापन होता है, मतलब कि क्या होता है, ये सभी। ठीक है, ये सब इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। आइए तो शुरू करते हैं 101, किस आसन को अग्रगण्य कहा जाता है, पद्मासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तासन, सिद्धासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101 का बा नंबर, क्या हो जाएगा, बा नंबर, पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, किस आसन करने को अग्रगण्य कहा जाता है, अग्रगण्य, पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस आसन को करने से नस नाड़ियों में अच्छी लोच आती है, शशांक आसन। देखिए कितने सारे आसन हैं, हो सकता है आप लोग थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होंगे, है ना, इसके लिए कुछ उपाय करेंगे अपन भी। देखिए कुछ समय बाद हो सकता है क्वेश्चन भी बदलने लगे, देखते हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। देखिए निम्न से कौन सा प्राणायाम है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसी तरह ही प्राणायाम वगैरह है ना। देखिए ठीक है, चलिए फिर भी करते हैं अपन, किस क्वेश्चन पे थे, 102 में थे, ओ बहुत पीछे चले गए। अरे यार, ना बात चलिए
किस आसन को करने से नस नाड़ियों में अच्छी लोच आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशांक आसन, हलासन, पर्यकासन, भुजंगासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर, क्या हो जाएगा? शशांक आसन। ठीक है, क्या हो जाएगा? शशांक आसन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हलासन किसमें लाभ पहुंचाता है? पेशीवाद, गृद्धशीवास, गृद्धऋषिवास, फिर नाड़ीवाद, या ये सभी? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा द नंबर, ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, मतलब कि पेशीवाद, मतलब कि हलासन किसमें लाभ पहुंचाता है? तो पेशी में जो आप लोगों ने सुना होगा कि बात हो जाता है, आप लोगों ने देसी भाषा में, हिंदी देसी में बोलता हूँ, ठीक है, देखो क्या बात सुना होगा कि ओखे पैर में बात हो गया रहा है, ठीक है, तो उसे चलत नहीं बनत रहा, ठीक है, ऐसे आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो बात वही वाला बात है, पेशी बात आप लोगों ने बहुत कम सुना, मेन आप लोगों ने सुना पैर का बात, पैर में मोरे बात हो गया है, ऐसा सुना है ना तुम बच्चे? देखा राइट आंसर का हो जाए 103 का, पेशी बात, ग्रसी बात और नाड़ी बात। ठीक है, आप लोगों ने आमतौर पर पैर का बात सुना है ना, कि मोरे पैर में बात हो गया रहा है, कि तोरे पैर में बात हो गया रहा है ना, आप लोगों ने ऐसे सुना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी, लेकिन इन तीनों बातों को आपने बहुत कम सुना है, बहुत रेयर कंडीशन पे, ठीक है, लेकिन फिर भी हलासन इसमें लाभ पहुंचाता है, और ये आप लोगों ने बहुत कम सुना है, इन नामों को बहुत कम सुना है, इसलिए आप लोगों ने हलासन नामक कोई आसन भी नहीं सुना, बहुत कम ही लोगों जानते होंगे कि एक हलासन नामक आसन होता है। ठीक है, चलिए, साधक को हलासन की स्थिति में, अच्छा मैंने देसी हिंदी बोला, ठीक है, आप लोगों को लगा किसी को बेकार तो नहीं लगा, लाइव चैट पे बता देना, ठीक है। ठीक है, क्या होता है कई बार अपन जब देखो जो अपन लोग भाषा पे बोलते हैं उसी भाषा पे जब अपन लोग टेस्ट करते ट्रायल करते हैं जो भी भाषा पे अपन उसका आंसर बताने की उसी भाषा में हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आप लोग मान लो हिंदी मीडियम वाले हो, मैं इंग्लिश में बोल के चला जाऊंगा, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश में बोल दूंगा, आप लोग उसका मतलब नहीं समझ पाओगे, तो वो आपके मतलब आप लोग सेंस कर लोगे कि जी ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा में समझाया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे तो आप लोगों के भेजे में उतना अच्छे से नहीं चढ़ेगा। लेकिन आप लोगों की जो भाषा है, देखिए जो लोकल भाषा है, जो घर में, जो सबके घर में बोली जाती है, तभी उस भाषा में आपको समझाया जाए तो लगभग 98% चांस है कि आपके मन में पूरी की पूरी बातें 100% चढ़ेंगी, है ना। ठीक है, तो ये आगे की क्वेश्चन को अपन देखते हैं। जैसे आप लोग खान सर को तो जानते होंगे, किनको? खान सर को, किनको? खान सर को, है ना। खान सर में क्या खासियत है भाई? वो शुद्ध हिंदी यही भाषा बोलते हैं तो उनका सबको समझ में आता है खान सर का, है ना। चलिए फिर भी अपन इधर चलते हैं। साधक को हलासन की स्थिति में कितने समय तक रहना चाहिए? अब देखिए हलासन की बात आती है, हलासन में कितने समय तक रहना चाहिए, तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा स नंबर। क्या हो जाएगा? स नंबर, 10 सेकंड तक रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, 10 सेकंड तक रहना चाहिए। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है? किन व्यक्तियों के लिए पवन मुक्तासन बहुत ज़रूरी होता है? कब्ज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, अपच से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, अम्ल रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, या उपरोक्त सभी? तो किन व्यक्तियों के लिए पवन मुक्तासन बहुत उपयोगी है? तो 105 का क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाइए, क्या हो जाइए? उपरोक्त सभी। कैसे? देखो पवन मुक्त आसन एक कोई आसन है माना, ठीक है, कब्ज क्या कहलाता है आप लोगों ने सुना होगा अधिकांशतः ये टीवी में, है ना, अपच सुना होगा, होता भी होगा, अम्ल रोग बहुत कम लोगों को होता होगा जब आप लोग डकार वगैरह लेते हो, खट्टी खट्टी अम्ल जैसा एक लिक्विड टाइप निकल जाता है, बस वही है ना, तो किसी के कभी कभी जब कभी साल दो साल डेढ़ साल दस साल में निकलता है, किसी के पर डे निकलता है, क्या होता है किसी के पर डे निकलता है ना, तो ये हो गया। तो इन सभी को जिनको भैया आपके घर में दिक्कत हो बब्बा दादी को तो बता देना कि आप लोग पवन मुक्तासन करो, पवन मुक्तासन यूट्यूब में देख लेना कैसे करते हैं। ठीक है, ये भगवान शिव
ने कितने आसनों का वर्णन किया है? भगवान शिव ने भी आसनों का वर्णन किया है। तो कितने आसनों का वर्णन किया है? 84,84,000, 84,100 या केवल मात्र 84। 106 का, सॉरी हाँ, 106 का राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर, 84,00,000। इसको याद करने का अच्छा तरीका है, लोग बोलते हैं ना 84,00,000 योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है, हैं ठीक ना, 84,00,000 योनियों को त्याग करने के पश्चात हमें मानव शरीर मिलता है, ऐसे हमारे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ जो भी होंगे उनमें ऐसा कहा जाता है, ठीक है। हमारे बब्बा दादी ऐसा बोलते हैं ना, 84,00,000 योनियों के बाद हमें मानव शरीर मिला है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, यदि हमें यह शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। जैसे हमारे देश में महान आदमी हैं APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, है ना, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, बहुत से लोग हैं हमारे देश में। चलिए आगे करते हैं, कौन सा आसन मधुमेह रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है? मधुमेह आप लोग जानते हैं, शुगर जिसे बोलते हैं, आप लोग सामान्य बोलचाल में आप लोग बोल देते हैं कि पापा का शुगर बढ़ गया था, बब्बा का शुगर इतना है, दादी का शुगर इतना है, ठीक है। तो भैया जिनको शुगर है तो मैं बता दूँ उनको कौन सा करना चाहिए आसन उनके लिए उपयोगी है, क्या मत्स्यासन है, भद्रासन है, मत्स्येन्द्रासन है या मुक्तासन है। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा बा नंबर, 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बा नंबर, मत्स्येन्द्रासन, ठीक है, मत्स्येन्द्रासन, ठीक है, मत्स्येन्द्रासन, ठीक है। तो ये किसके लिए? मधुमेह, डायबिटीज, शुगर जिसे बोला जाता है, ठीक है, मधुमेह, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा आसन मन की चंचलता को दूर करता है? यहाँ से हम बन कल चलेंगे, क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई है ना, ज़्यादा बड़ी भी नहीं करना, लगभग 20-20 मिनट के आसपास किले की चलना है, क्या 20-20 मिनट के आसपास किले की चलना है। मिलते हैं कल की क्लास में, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करिए, है ना, बहुत सारी योगी लिंक होती हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। आप लोग लाइव चैट, मैं आपकी पढ़ लेता हूँ लाइव चैट, तो आप लोग लाइव चैट में बहुत चीज़ें बता सकते हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।